ये लड़का साथ में कॉलेज में पढ़ता था हाँ जी कश्मीर में? नहीं, हाँ जी। तुमको ऐसे ऐसे फोटो निकालने चाहिए थे इसके साथ। तो नहीं क्यों निकाले? तुम ओयो में गई हो, होटल में गई हो उसके साथ? नहीं नहीं होटल में नहीं, वो कहीं खाने पीने के लिए जाते हैं, वो उनको भी होटल बोल रहे हैं कि तुम लोग होटलों में जाते हो। कंधे पे सर रख के आग बन करके सोई हुई हो कभी कहीं पे? वो कंधे पे सर रख के आग बन करके सोया हुआ है तो ये क्या होटल खाने पीने के होटल में ऐसा कर रहे हो तुमने? मैंने बोला अब हो गई गलती, अब्बू ने भी माफी मांगी थी कि हाँ ठीक है हो गई है गलती, अब नहीं करूंगी, अब नहीं करेगी ये बात ना कोई ऐसी अरे बात। भाई, हम कौन होते तुम्हें तुम्हें गलती की सजा देने वाले? तुम ये सब चीजें, तुम शादी होके जाओगी, ये गैर मुस्लिम लड़का है, गैर मुस्लिम है ना, हाँ जी हाँ जी, गैर मुस्लिम है। इसके साथ में तुम इसका तुम इतने वहां पे जुलुम हो रहे हैं, गैरों ने आफत ढाई हुई है। तुम्हारे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे बड़े बड़े घर के खूबसूरत लोग यहाँ पे मुंबई में आके भीख मांग के खा रहे हैं, हाँ तुमको होश जी। नहीं आ रहा? तुम ऐसे लोगों के ऊपर भरोसा करके उनके नहीं कंधों नहीं पे? नहीं नहीं अब नहीं, अब नहीं करूंगी मैं कोई भरोसा कुछ। ये फोटो लीक कहाँ से हुई? उस लड़के ने किया होगा ना, हाँ जी बताओ। अभी उस लड़के ने लीक किया तब जाके मुसलमान बच्चों की नजर पड़ी ना, हाँ जी। ये तो क्या जरूरत है मुसलमान बच्चे के? तुम्हारे आईडी में घुस के कोई फोटो निकाल सकते हैं? आईडी नहीं मुझे बदनाम नहीं कर पता। रखा है कि मुसलमान बच्चे बदनाम करे? अरे बदनाम ये हरामखोर कर रहे हैं, ये संगी लोग कर रहे, ये लोग वही कर रहे। मुझे नहीं पता था कि ये तुमने ऐसी लड़के को ऐसा। बात पूछा तो हमें तो पूछ रही हो, उस लड़के को पूछा? मुझे बोल रही हो कि मुसलमान लड़के ऐसा कर रहे हैं, शिकायत लगा रही मुसलमान की, कि तुमने उस लड़के से पूछा कि तूने क्यों डाला था, शब्दबाजी हाँ क्यों की थी? हाँ जी हाँ जी, उससे की बात, अबू ने उसको भी मारा, गया था अबू उनके घर पे जाके, अबू ने उसको बोला कि हाँ तूने ये क्यों किया, बोल वही बोल रहा था, बोलता नहीं अंकल अब नहीं करूंगा, बात गलती हो गई। हाँ, सभी यही बोलते हैं बात नाम है आजकल जो बार बार। कल भी मुझे हैदराबाद से एक बंदे ने रात के 1:30 बजे फोन करके हरामखोर में मुझे बोलता है कि बोले इसी तरीके से तुम लोग लड़कियों को बदनाम करते हो। बोले हम क्यों करेंगे भाई, हमारे को क्या गरज पड़ी है? और हमारे बच्चे जो है मुसलमान कौम के, मेरा सुनते हैं इसका मतलब क्या मेरे बोलने पर ये सब करते हैं क्या? ये सब नहीं तो नहीं मैं बोलती हूँ क्या? जाओ इसी आईडी पे जाओ संगी की, और उसने जो है अपनी गर्लफ्रेंड मुसलमान लड़की के साथ में फोटो लगाया है, क्या मेरे को ख्वाब गिरा इलाम होता है हाँ क्या? हाँ जी हाँ जी, मैंने देखा मैंने देखा, वही वही तो, उसी की आईडी से सारे स्क्रीनशॉट बजे हैं, कमेंट वो करे हुए हैं उसने फिर तो उससे ये लोग, ही। और तुम क्या समझते हो ये लोग ने क्या मुझे इंस्टाग्राम पे, तुमको क्या लगता है ये लोग स्टेटस डालते हैं खाली? ये लोग अपने ग्रुप में डालते हैं, हाँ जी हाँ जी, वहां पे कंपटीशन चलता है, देख तेरी गर्लफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड, देख ये मुल्ली मैंने, तूने एक पटाया मैंने दो पटाया, देख तू तो खाली लेके घुमा मैं तो सोया, ऐसी बातें चलती है वहां। अगर नहीं हमारा कोई मुसलमान बच्चा अपनी अपनी मुसलमान कौम की बच्चों की हमदर्दी में उनके अगर ग्रुप में होगा ना, तो हमको पता चल जाता है कि भाई ये सब ये लोग कर रहे हैं ये। हाँ जी हाँ और जी, आपको आपको भी पता चला तभी ये बात हुई है, वरना आप तक बात नहीं समझाते भी है, पहुंचती ऐसा तो। नहीं कि नहीं समझाते, उनको समझाते भी है। जब तुम इतनी गर्लफ्रेंड बोल रहे हो, तुम इतना जब प्यार करने वाले बन रहे हो, तो फिर तुम उसको क्यों प्रचार कर रहे हो? हाँ बदनाम क्यों कर रहे हो फिर। तो बोलते तुमको क्या करने का है? तू सत्तू क्या, तू मुस्त मुल्ला है, तू क्या मुल्ला है जो मुंडी की साइड ले रहा है? ऐसा बोलते हैं हमारे बच्चों को, पता हाँ ये है तो कुछ बोलते हैं, बताओ? नहीं ये बातें तो बोलते हैं, ये बातें बोलते हैं, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि वो लड़का इस यहाँ तक पहुंचेगा या तेरे अब्बा तो किस इतने हद। अल्लाह वाली सिफत वाले हैं, दाढ़ी माशाल्लाह सफेद दाढ़ी, इतना तो पुलिस वाले की बहन तो इस तरह से ट्रैप, उसने ऐसी फोटो वायरल कर दिया उस लड़के ने। हाँ जी हाँ वो उसके भाई को हमने, वो थोड़ी बार लिखते हैं कि कहाँ की लड़की है क्या नाम है, वो तो उसी को पता है। हाँ, वो हमको तो उसी को कितना पता। मुश्किल होता है ढूंढना उसकी हाँ आईडी में जाकर, उसके उसके सारे लोगों को हमको खंगालने पड़ते हैं कि भाई ये लड़की कैसे इसके कांटेक्ट में आई, इस लड़की के कांटेक्ट में कौन है, फिर तेरे कांटेक्ट से तेरे माँ बाप तक, तेरा तेरे नंबर से तेरे 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 एड्रेस निकालना, क्या ये आसान काम लगता है तुमको? और हराम नहीं है ये अपने बड़ी पैसे 10 रुपया भी मांगते हो, तो, हमारा पैसा कुछ जेब से लागे करते हम, हाँ वही तो, इतनी एड्रेस मेहनत तोड़ रहे हैं हम फोटो सिर्फ इसलिए कि शादी तक बात नहीं चली जाए, इनकी इज्जत आबरू नहीं लूटी जाए, तो इतनी मेहनत तोड़ रहे हैं हम, इतना हम इतना इतना गहराई तक जाके काम कर रहे हैं, किसी हाँ पैसे के जी मफाद में नहीं, अल्लाह की रजामंदी के लिए, हमारी बच्चियों की अस्मतें बढ़ जाए, बच जाए नस्लों के जी साथ, नस्लें तो आगे जाके नस्लें खराब हो जाएंगी अगर शादी कर नसे। ली तो। नहीं, ये शादी वाली बात नहीं है, कोई भी शादी वाली ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन मेरे को अब पता चल गया ना कि उन्होंने ऐसी ऐसी बात की है, उसने ऐसा कुछ किया है, फोटोज वगैरह सेंड किए हैं, या उनको बोल रहा है कि हाँ मैंने मुसलमान लड़की फसाई हुई है रखी हुई है,
मैंने बोल दिया कि मैम मेरे को आज के बाद फोन नहीं आना चाहिए ना, मेरे को कभी दिखना अभी बोल रही है कल के दिन माफ कर दोगी? नहीं। माफ क्यों करना, इतना सब कुछ उसने बोला तो माफ क्यों करना। अभी होश आया तुमको? दो हाँ जी हाँ जी अबू को दो। हाँ जी, 1 मिनट देती हूँ। ये लो बुक, फोन। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी। जी। देखिए, मैं शबीना अनिस कुरैशी बोल रही हूँ मुंबई से। हाँ जी हाँ जी बोलिए ये जो गैर मुस्लिम लड़का जिसने आपके बच्ची के फोटो वायरल किया और अपनी शान दिखा जी। रहा था, झूठी शान दिखा रहा था कि मेरी मैंने इसको फंसाया हूँ, मैंने इसके इतने हद तक चला गया हूँ, वो तो इतना गंदा गंदा लिखा है, इतना गंदा गंदा उस बच्ची के बारे में। आप बताओ मुझे, अभी मुसलमान बच्चों के खून नहीं खोलेंगे? जी जी सही सही बात है, बिल्कुल खोलेगा। आपको मेरा ही पता है कि मैं कैसा हूँ, अभी है ना। आपको दूसरे ढूंढ के निकाले कि भाई बच्ची मानेगी नहीं, हाँ मैं हाँ मिलाएगी, हाँ मैं नहीं करूंगी, लेकिन कल फिर वही लड़की के साथ में वो लड़का ब्लैकमेल करके फिर कहीं लेके चला गया तो क्या करेंगे? जी, वो बात तो है, कोई बात आप तक नहीं। लड़की पहुंचना को बहुत जरूरी था। अभी ईद के यानी चांदरात वाली बात कर रही हूँ मैं, चांदरात वाली बात कर रही हूँ। पुलिस वाली की जी बहन के साथ भी ऐसी हुआ, जी इंस्पेक्टर इतना बड़ा ऑफिसर है वो, जी उसकी बहन के साथ भी ऐसे, उसने तो इतना मारा, उसको अंदर भी करवा दिया और बोला केस बनाऊंगा इस पे। लेकिन अब मैं वही बोली उनको कि तुम इतने टाइम तक क्या कर रहे थे, तुम्हारी बहन हो किसने? वो सीधा बोल रहा है कि ट्रैप किए मेरी बहन को, मेरी जी बहन को देखिए इसलिए ट्रैप किए कि मैं पुलिस वाला हूँ। मैं बोली भाई, तुम पुलिस वाले बोल के नहीं, तुम मुसलमान हो बोल के तुम ट्रैप हो रहे हो। जी, देखिए मैंने इसका कॉलेज और यूनिवर्सिटी इनका जाना बंद कर दिया हुआ है, इसका जो घर पे ही है अच्छा, ठीक। अब बाहर से इसका घूमना भी बंद कर दिया हुआ है ने अच्छा किया आपने। आपके जी। हालात वहां के कितने खराब चल रहे हैं कश्मीर के, आप मुझे बताओ। आपका एड्रेस हमको कैसा, आपका नंबर कितना मुश्किल हो हमको मिलने, बताया आपको? जी हाँ, ये लड़की क्या बहुत बड़ी फेमस है क्या बेचारी, इसको उसने इतना जो पूरे चौराहे पे लगा दिया? अब मेरे नहीं कॉल की नहीं बच्ची आपको तो, पता मुझे तो उसको ढूंढना जरूरी है। जी। तब जाके ढूंढा गया, आपका नंबर निकाला गया कि भाई आप तक पहुंचा जाए, आपको बताया जाए, ताकि क्योंकि आप ही पाबंदी कर सकते हो। जी, कोई बात नहीं। इसका सहेलियों से जाना भी, आगे पीछे जाना, मैंने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया वो इसका। और गैर मुस्लिम लड़कियों से भी दोस्ती मत कराओ। नहीं, मैंने घर से गेट से बाहर ही नहीं जाएगी, आज के बाद अंदर ही रह जाएगी जी। नहीं, सही सही है। अभी आगे अच्छा लड़का देख के शादी करा दो, ज्यादा ज्यादा मत रखो अपनी बच्ची को, इस तरह इनके हवाले निवाले मत बनाओ। कोई बात नहीं, शादी करवा देंगे इसके, नहीं इसका निकाह करवा देंगे हम। भले तुम रुख्सती बाद में जल्दी कराओ, लेकिन निकाह करवा दो। जल्दी बस बस जल्दी जल्दी वो करके ना इसका निकाह करवा देंगे आप। इंशाल्लाह अल्लाह खैर का मामला करे मुसलमानों की बच्चियों की, अल्लाह इज्जत की हिफाजत फरमाए। बस आप ऐसा सोचिए कि कौन सी आपकी नेकी आड़ी आए। आपका हुलिया देखी मैंने, आपकी फोटो, आपकी बीवी की, अल्लाह और सिफत आपकी, आपको देख के अल्लाह याद आया, ऐसी शक्ल है आपकी। जी, ये लड़की को नहीं समझा मेरे बाप किस तरीके का है और मैं क्या कर रही हूँ? बेवकूफ लड़की, समझाई देखो ना मैंने, काफी समझाई मैंने उसको। दाढ़ी। जी 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 आपने मेरा ही फोटो देखा होगा, दाढ़ी देखी है, मैंने भी रखी हुई है अभी देखी दाढ़ी ना बाबा, आपको ढूंढा जब भी तो पता चला ना आपका फोटो देख के, आप इतने अल्लाह से जी। अल्लाह सिफत वाले हैं, इतने परहेजगार, नमाजी परहेजगार हैं, सुन्नतों पर जी अमल करने वाले हैं, तभी तो आपकी बच्ची बची, जी तभी नहीं तो अल्लाह ने कोई आप बात तक हमको पहुंचाया। नहीं तो लड़की को कहा ये लोग गायब कर देते, पता नहीं चलता। अल्लाह का ये भी फजल है कि मेरे को पता चल गया ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए जी, इंशाल्लाह। तो कोई बात नहीं। अब मेरी तरफ से जो कुछ, देखो मेरी तरफ से मैंने जितना इसका हो घर सके मैं सारा, मैं लड़कों को सबको बोलूंगी भाई ये जहाँ जहाँ चल रहा है डिलीट करवाओ, नहीं तो हम लोग रिपोर्ट जी करवा जी के उनके उनके जो है उनके खिलाफ पहनी है, किसी भी तरह से हम हटवा देंगे। आप जी बड़ा हटवा दो, मैंने इसका बाहर जाना ही बंद कर दिया है ठीक है ना। कॉलेज यूनिवर्सिटी गेट से बाहर जाना, सहेलियों से मिलना, जैसे सारा बंद करवा दिया है। बस अब बस इसका जल्दी से जल्दी इसका निकाह करवा देंगे हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो ठीक है ना। अल्लाह 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 के लिए हो रहा है, और अभी जी अल्लाह के जी वास्ते आप भी जरा ध्यान रखो। हाँ जी जी कोई बात नहीं। आप ना करवा के ना जो हटवा दो ठीक है ना। जी, अब निकाह करवाना इसका, हमने भी आगे आपको पता ही है, आप भी ठीक है ना, नहीं आप भी समझदार हो। बाबा क्यों नहीं समझदार, मैं भी तीन बच्चों की माँ, मेरी लड़की के तीन बच्चे हैं, जी जी बस बस हम वही भी है ना। वक्त रहते, मैं सब जो है शादी वगैरह करवा दी, हम इतने नौबत तक थोड़ी ना इंतजार करते हैं।
जी, वो बात तो है। हाँ फिर आज हम इतने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, तो अल्लाह ने इसके लिए हमें चुना है, तो हमें भी तो अल्लाह ने इस सब चीजों से हमें हमें वाकिफियत रखी है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। हमने सारा देखते हैं, रोज देखते हैं, हम रोज का काम है हमारा। जी, पता क्या, आप ना बस इसका निकाह करवा देंगे हम, ठीक है ना। आपको पता है मेरी भी दाढ़ी रखी हुई है, आप जी डिलीट करवा दो जी। अगर और भी होगा फिर हमने निकाह भी करवाना है लड़की का, आप भी समझ रहे हो ना बात को। नहीं नहीं समझ गई मैं वो, आप बेफिक्र रहो, मेरी तरफ से जो होता है मैं सब कुछ करूंगी, आप बेफिक्र रहो बस। ठीक, आप जे वाला काम करवा दो, ठीक है ना। मैंने हाँ बस जल्दी इंशाल्लाह इसका निकाह करवा देंगे, ठीक है ना। इंशाल्लाह बाहर तो इंशाल्लाह। आना जाना इसका बंद करवा दिया हुआ है, फोन भी इसका जी ले लिया हुआ है समझ लो, जी जी ठीक है ओके ना। ठीक है, चलिए दुआ में याद रखिए। ठीक है, अच्छा, अस्सलाम ओके अल्लाह। वालेकुम।